नमस्कार सलाम सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबेरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में कौशल विकास के सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार का आयोजन लोहिया विधि विश्वविद्यालय के अम्बेडकर सभागार में किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रताप के साथ ही प्रदेश के कौशल विकास मंत्री चेतन चौहान भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कौशल विकास से प्रेरित होकर प्रदेश में रोजगार दिलाने के लिए 6 लाख युवाओं का पंजीकरण किया जा चुका है और 4 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। युवाओं का प्रशिक्षण पूरा हुआ है और उसमें 1,04,000 वर्तमान में अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। 2,56,000 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और 1,40,000 ऐसे युवाओं को हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में प्लेसमेंट भी दिया है। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कौशल विकास के लिए जरूरी है कि योजना उत्तर प्रदेश में चले और योगी सरकार हर वो काम कर रही है जो जरूरी है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली व्यवस्था को धन्यवाद देना पड़ेगा, उन्होंने पूरा योजना बनाई है। सारे विभागों की, सरकार की सारे विभागों की समन्वय करते हुए, भारत सरकार को साथ में लेते हुए, भारत सरकार की अन्य विभागों को साथ में लेते हुए और उत्तर प्रदेश में जो निवेशक हैं, निजी उद्योग हैं, उनको भी साथ में लेते हुए आईटीआई, शॉर्ट टर्म कोर्स और महेंद्र जैसे योग्य पार्टनर के साथ आज हम उसको पूरा करने वाले हैं। योगी सरकार प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि जब प्रदेश आगे बढ़ेगा तो ही देश तरक्की करेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर पूरे विश्व को निमंत्रण दे रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। लखनऊ से एक्सपोज इंडिया के लिए विजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।